ये कैथलैब है, ये इस एरिया की रिक्वायरमेंट बहुत दिनों से थी और हमारा इंस्टीट्यूट को हेल्प करने में श्रोमणी प्रबंधक कमेटी ने 5 करोड़ का फंड लेके ये पूरा प्रोजेक्ट उन्होंने स्पॉन्सर किया है। एक नई शुरुआत जो है मेरी पीरी इंस्टीट्यूट करने जा रहा है और वो है कार्डियक सेंटर और कैथ लैब का। मैं अम्बाला में काम कर रहा हूँ, 7 साल मैंने सिविल हॉस्पिटल में काम किया है और कब तकरीबन 15,000 लोगों का इलाज किया है वहाँ पे। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जो लोकेशन वाइज और जो एरिया है, इस एरिया में कोई भी अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं था जो लोगों की सेवा दे सके। नमस्कार, बी पॉजिटिव न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। इस समय मैं मौजूद हूँ मेरी पीरी मेडिकल इंस्टीट्यूट में। वही मेरी पीरी मेडिकल इंस्टीट्यूट जो अब तक लोगों की सेवाओं में हाजिर है। अच्छी क्वालिटी और अच्छा ट्रीटमेंट जो है अब तक मेरी पीरी इंस्टीट्यूट देता रहा है और वो भी बहुत ही किफ़ायती दामों में, बहुत सस्ते दामों में। लेकिन अब एक नई शुरुआत जो है मेरी पीरी इंस्टीट्यूट करने जा रहा है और वो है कार्डियक सेंटर और कैथ लैब का। जी हाँ, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये कैथ लैब है और सबसे लेटेस्ट मशीन जो है वो यहाँ पर लेकर आई गई है। कह सकते हैं कि जीटी बेल्ट पे इससे अच्छी लेटेस्ट मशीन किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको नहीं मिलेगी। और इससे भी बड़ी बात ये है कि इस कैथ लैब को जो देखने वाले हैं वो हरियाणा के जाने माने डॉक्टर राघव शर्मा जी हैं, जो कि अब तक 35,000 से ज़्यादा हार्ट प्रोसीजर्स कर चुके हैं, जो कि सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। उनसे भी हम मिलेंगे और उनसे ही जानेंगे इस कैथ लैब के बारे में। डॉक्टर राघव, सबसे पहले बी पॉजिटिव न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि डॉक्टर राघव शर्मा हरियाणा के बहुत बड़ा नाम है। आप अम्बाला कैंट के सिविल हॉस्पिटल में भी अपनी सर्विसेज दे चुके हैं और आप मीरी पीरी में आप अपनी सर्विसेज के लिए आए हैं और इसके अलावा बहुत से बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी आपको बहुत ऑफर आए होंगे, लेकिन आपने मीरी पीरी ज्वाइन किया, उसको चूज किया, तो इसकी क्या वजह रही? एक तो इस एरिया में कोई भी कैथ लैब नहीं थी और जब मैं अम्बाला में काम कर रहा हूँ, 7 साल मैंने सिविल हॉस्पिटल में काम किया है और कब तकरीबन 15,000 लोगों का इलाज किया है वहाँ पे। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जो लोकेशन वाइज और जो एरिया है, इस एरिया में कोई भी अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं था जो लोगों की सेवा दे सके। और चंडीगढ़ पहुँचने के लिए बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बहुत टाइम लग जाता है, तो हार्ट अटैक के मरीज जो नहीं पहुंच पाते, क्योंकि जब मैं अम्बाला में था वहां पर भी कई बार समय से मरीज नहीं पहुंच पाते थे, तो उस हिसाब से फिर मैंने सोचा कि ये एक बहुत अच्छा मौका है कि आप यहाँ बैठ के वही सेवाएं, उसी क्वालिटी का ट्रीटमेंट दें जो मैंने अम्बाला सिविल में दिया, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ ज्वाइन करना चाहूँगा। तो सर, मीरी पीरी में अभी कार्डियक सेंटर कैथ लैब को इंट्रोड्यूस करने जा रही है, तो इस लेटेस्ट मशीन के बारे में आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? ये जापानीज मशीन है, पहले तोशिबा नाम की कंपनी से आती थी, आजकल इसको कैनन की मशीन कहते हैं और जापानीज जो है रिसर्च बहुत अच्छी करते हैं, तो पहले भी इस मशीन के बारे में मैंने सुना है, काफ़ी अच्छी और एडवांस मशीन है, तो काम में कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। सर, एक मीडियम फैमिली के जो लोग होते हैं उनको सबसे ज़्यादा पैसे की फिक्र रहती है, अपने बजट की फिक्र रहती है। अगर इस दौरान इस तरह का कोई हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम उनको हो जाती है तो सबसे पहले ध्यान आता है पैसे का, लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि यहाँ पर क्या कुछ कॉस्ट है, क्या बताना चाहेंगे आप? बेसिकली ये एक ट्रस्ट का हॉस्पिटल है, तो डेफिनेटली जो इंटेंशन से ये कैथ लैब इन्होंने लगाई है, जब मेरी इनसे बात भी हुई थी, क्योंकि मैंने जब सिविल सरकारी में काम किया तो मुझे ये बात कॉमनली दिखती थी कि लोगों को पैसों की तंगी है और कोरोना के बाद तो बहुत ज़्यादा, तो जो रेट इन्होंने रखे हैं वो पीजीआई से भी सस्ते रखे हैं कि बढ़िया क्वालिटी ट्रीटमेंट पीजीआई से भी सस्ते रेट पे ये कर सकें और मरीजों को बेनिफिट हो सके। तो सर, कब से स्टार्टिंग होने वाली है यहाँ पर? यहाँ पे हम वैसे तो आज से ओपीडी स्टार्ट कर दिया गया है, 8 जुलाई यानी सोमवार से कैथ लैब के प्रोसीजर्स हम लोग स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे। तो सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो इस तरह के पेशेंट्स हैं उनको मेरी पीरी में आए तो किस तरह की सर्विसेज उन्हें मिलेंगी? अगर मरीज के लिए, हमेशा मरीज हमारी टॉप प्रायोरिटी रही है और जब मैं सिविल में था तब भी मरीज पहले था, बाकी सारी चीज़ें बाद में थी, तो यहाँ आए चाहे सिविल में आए, हॉस्पिटल तो एक डॉक्टर ने ही बनाना है, तो अपनी तरफ से हमेशा शुरू से मैंने बहुत ईमानदारी से और पेशेंट के लिए ही काम किया है और वही काम और सेवा यहाँ भी जारी रखूंगा और कोशिश करूंगा कि इसको सिविल से भी बेहतर सेंटर बना सकूं। थैंक यू सो मच सर, बी पॉजिटिव न्यूज से बात। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आइए अब बात करते हैं मीरी पीरी मेडिकल इंस्टीट्यूट के सीईओ संदीप इंदर सिंह
चीमा जी से और उनसे जानते हैं कि जो कैथ लैब और कार्डियक सेंटर है इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, तो क्या कुछ खास है इस लैब में। सर सबसे पहले बी पॉजिटिव न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग मी हेयर, और धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आप आके इसको कवर कर रहे हैं। तो पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ये कैथ लैब है, इस एरिया की रिक्वायरमेंट बहुत दिनों से थी, और हमारा इंस्टीट्यूट को हेल्प करने में श्रोमणी प्रबंधक कमेटी ने 5 करोड़ का फंड लेके ये पूरा प्रोजेक्ट उन्होंने स्पॉन्सर किया है, जिसमें से 3.5 करोड़ की लैब है और 1.5 करोड़ का एक CCU बिल्डअप किया गया है। ये देखिए, जो मेन बात यहाँ ये है कि जो ये कैथ लैब है, इट इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट, इस एरिया में कहीं किसी के पास नहीं है, जापनीज मशीन है। और दूसरी बात कि जितने भी यहाँ प्रोसीजर्स किए जाएंगे वो स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट से किए जाएंगे। तो सर मैं जानना चाहूंगी कि लेटेस्ट मशीन्स तो हैं लेकिन उसको ऑपरेट करने के लिए एक एक्सपीरियंस डॉक्टर की भी जरूरत होती है, तो उसको कौन मतलब देखने वाला है कैथ लैब और कार्डियक सेंटर को। देखिए, किसी भी सेंटर को चलाने के लिए अच्छा डॉक्टर होना बहुत जरूरी है, तो ये हमारी खुशकिस्मती है और एक तरह से बून है लोगों के लिए कि यहाँ के जो हरियाणा के रिनोन्ड कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर राघव शर्मा है, ही इज़ कंसेंटेड और वो इस पूरे प्रोजेक्ट को देखेंगे, उनके ही अंडर ये प्रोजेक्ट कराया जाएगा। तो यहाँ के एरिया के लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि इतना सीनियर इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट, जो कि चंडीगढ़ वगैरह में आपको जाना पड़ता है, शाहबाद में अवेलेबल है। जी तो सर जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने जो आयुष्मान कार्ड है उनको लेना बंद कर दिया है उन मरीजों को, तो क्या यहाँ पर भी ऐसा है या फिर आयुष्मान कार्ड से भी जो है हार्ट प्रोसीजर हो पाएंगे। देखिए, हमारा हॉस्पिटल जो है कार्डियोलॉजी में भी आयुष्मान भारत के अंडर एम्पैनल्ड है, तो फिलहाल तो हमारे ट्रस्ट के द्वारा कोई ऐसा डिसीजन लिया नहीं गया कि भाई आयुष्मान कार्ड बंद करने, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का अलग एक वो रहता है, तो अभी फिलहाल हमारे यहाँ कार्ड्स चल रहे हैं। तो सर ये जो कार्डियक सेंटर है क्या यहाँ पे ओपीडी शुरू हो चुकी है। हाँ जी, आज फर्स्ट से यहाँ ओपीडी शुरू हो चुकी है, तो एवरी डे कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ अवेलेबल रहेंगे ओपीडी में, एंड जो प्रोसीजर्स हैं वो 7 तारीख से हम शुरू कर देंगे, क्योंकि 6 तारीख को जो ऑफिशियल इनॉग्रेशन है प्रधान साहब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर उनके द्वारा, तो उसके बाद हम जो कार्डियक प्रोसीजर्स हैं वो नेक्स्ट मंडे से शुरू करते हैं। जी सर, एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूंगी कि सर प्राइवेट हॉस्पिटल में जो हम जाते हैं ये हार्ट प्रोसीजर्स जो होते हैं बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या मतलब कॉस्ट वगैरह रहेगी पेशेंट्स के लिए। देखिए, जो सोचने वाली बात यहाँ ये है कि जो स्टेंट्स हैं वो हमने सारे मल्टीनेशनल कंपनीज के यहाँ यूज किए जाएंगे, जो बेस्ट क्वालिटी के होंगे, जो लेटेस्ट चल रहे हैं, तो उसमें कोई कॉस्ट कटिंग नहीं है। और तो हमारी मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि भी जो जितने यहाँ कार्डियक प्रोसीजर्स होंगे वो PGI से कम दरों पर किए जाएंगे। मतलब कह सकते हैं कि अच्छी जो अच्छा ट्रीटमेंट है वो भी किफ़ायती दामों पर। बिल्कुल, ज़रूरी नहीं होता कि भी जो किफ़ायती हो वो अच्छा ना हो, तो जो हमारे इंस्टीट्यूशन है उसकी थिंकिंग ये है कि लोगों को कम से कम खर्च में बेस्ट इलाज दिलाया जाए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। इस समय हमारे साथ मौजूद है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर के वाइस प्रेसिडेंट और मीरी पीरी मेडिकल इंस्टीट्यूट के ट्रस्टी सरदार हरभजन मसाना जी हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि जो मीरी पीरी संस्था है वो किस तरह से कार्य कर रही है। तो सबसे पहले बी पॉजिटिव न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैरू जी का खालसा, वैरू जी की फतेह। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिखा की एक सरमोह संस्था है, जो कि अपने अंदर जिथे मेडिकल कॉलेज और शिक्षा के वास्ते इंजीनियरिंग कॉलेज और दूसरे जड़े आम स्कूल जड़े ने वो चला रही है, उत्थे जड़े अज हरियाणे दे विच साडे इत्थे मीरी पीरी मेडिकल कॉलेज शाहबाद मारकंडा विखे चल रहा है। समय समय से इत्थे जड़े नवीं मशीनां ने जो कि अज दे टाइम सब तो जिहड़ियां लेटेस्ट ने वो मशीनां साडे इत्थे लगाईआं गईआं ने, चाहे वह MRI है, सिटी स्कैन वगैरह है, और साडा इत्थे ऑक्सीजन का प्लांट भी साडा खुद अपना है। हुण 6 तरीक नूं इत्थे
ਸਾਡਾ ਕੈਥ ਲੈਬ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੰਟ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਲਣਗੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਔਰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਗੋਡੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੋ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਪਰ ਆਪਣਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਬ ਕਾਰਡੀਅਕ ਸੈਂਟਰ ਔਰ ਕੈਥ ਲੈਬ ਬਣਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਯੇ ਕਤਾਰੇ ਔਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕੇ ਲੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਪਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਬ ਯਹਾਂ ਪਰ ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਵੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਾਮੋ ਮੇ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਤੋ ਕਹਿ ਸਕਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਕੇ ਲੀਏ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜੋ ਹੈ ਸੁਵਿਧਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਅਬ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੇਹਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਬੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਿਊਜ਼, ਸ਼ਾਹਬਾਦ।